नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं, अपराजेय विधायक महेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दरअसल अपराजेय विधायक पहले मैं बताना चाहूँगा क्यों कहा गया, चूँकि आप बिस्वा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और आपका टिकट कट गया, जनता ने नहीं नकारा या जनता की अदालत में न जाकर आप पूर्व विधायक तो बन गए लेकिन अपराजेय विधायक हैं। तो 2024 उम्मीदों का है और वो उम्मीद कौन सी आपने लगाई हुई है आज जरा दर्शकों को समर्थकों को बताएंगे, क्योंकि 2024 बहुत सारी उम्मीदें आपकी होंगी। पंकज जी, जैसा कि आप जानते हो कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं तो अपने लोगों के बीच में जब बैठता हूं और कोई चर्चा होती है तो मैं अक्सर ये कह देता हूं कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाला व्यक्ति रोज सुबह उठ के अपने चौराहे पर खड़ा होता है और चारों तरफ रास्ता जा रहा है, जिधर वो जाना चाहे, जिधर उसको अच्छा लगे वो जाए। तो उम्मीदें लगातार हैं, ये सही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो और आपने अभी कहा भी कि मेरी जीती हुई सीट थी विधानसभा की, और जो मैंने लगभग 20 साल बाद पार्टी ने अवसर दिया था और मैंने उसको जीत की सीट दी थी, तो मैंने अपनी जीती हुई सीट पार्टी के निर्देशों पे, आदेशों पे छोड़ने का काम किया है। तो मुझे बहुत चिंता नहीं है, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, सिपाही हूँ, और जो भी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी जाती है समय समय पर उसको पूरा करता हूँ। और जो हमारे अपने लोग हैं, जिन लोगों के साथ मैंने 5 साल विधायक रहते हुए, उससे पहले जब विधायक नहीं था तब और विधायक नहीं हूँ तब मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ उनके बीच रहता हूँ और काम करता रहता हूँ, इस पर बहुत दिमाग नहीं देता हूँ कि क्या होगा। पार्टी जहाँ मेरा उपयोग अच्छा समझेगी करेगी, बस मैं इतना सा विश्वास रखता हूँ। चाहते ज़रूर होंगे विधायक जी कि 2024 में पार्टी आपको कहीं आपका उपयोग करे। देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं 2012 में सीतापुर में लोकसभा लड़ने के लिए ही आया था। उस समय पार्टी ने मुझे उपयुक्त नहीं समझा और 14 में पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिला। मैं आराम से काम करता रहा पार्टी का और अपने लोगों के बीच में चलता रहा। 17 में पार्टी ने मुझे उपयुक्त समझा और मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया और मैंने पार्टी के निर्णय को सही ठहराया और सीट जीत के दे दी। 24 में भी अगर पार्टी उपयुक्त समझेगी और मुझे मौका देगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर नहीं भी टिकट होगा तो जिसका टिकट होगा मैं उसके लिए काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। बिल्कुल, तो देखिए पार्टी के प्रति समर्पित हैं। जब आपका टिकट विधानसभा चुनाव में इस बार कटा और आप मौजूदा विधायक थे, उस दौरान भी कहीं से कोई ऐसी आवाज़ या कहीं से भी आपने पार्टी विरोधी होने का कोई ऐसा आपका मामला सामने नहीं आया, लेकिन आज जब आप कैमरे के सामने आ गए तो ये जरूर बताइए कि जब आपका टिकट कटा तो वो क्या था, किस लिए कटा, उसके पीछे की क्या भूमिका थी? अरे, बहुत बड़ी बातें हैं वो सब, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोगों को मेरी उपलब्धियाँ, मेरी कार्यशैली और भविष्य में जो होने वाला था
वो खलता था, इसलिए लोगों ने साजिश करके टिकट कटवाने का काम किया। तो साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी, क्योंकि आपसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको खुद मालूम होगा कि मेरे खिलाफ कोई माहौल नहीं था इस तरह का। जनता में मेरी स्वीकार्यता कम नहीं हुई थी, बढ़ी थी, और इसीलिए लोगों ने साजिशें की। बिल्कुल, तो देखिए साजिश थी, ये आपने आज कह दिया कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत आपका टिकट काटा गया। लेकिन अब जैसे 2012 में आपने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, 2024 में भी वही तैयारी आपकी देखी जा रही है। सीतापुर में पार्टी के कोई कार्यक्रम हो उसमें आपकी मौजूदगी है, इसके अलावा होर्डिंग्स के जरिए भी आप संदेश देते रहते हैं, और पार्टी के जो लोग आपके समर्थक हैं उन समर्थकों को साध कर पूरे ज़िले का आपका भ्रमण जारी है। ये माना जाता है कि आप सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा टिकट को लेकर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही है? मैंने बताया ना कि मैं 2012 से लेके अब तक लगातार सीतापुर संसदीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अब पार्टी अगर अवसर देती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा मुख्य काम पार्टी के सिपाही होने के नाते पार्टी के कार्यक्रमों को मोदी जी की और योगी जी की सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाना, और जिस किसी को भी उन सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनके लिए बात करके उनको उपलब्ध अवसर दिलाना है। बिल्कुल, तो महेंद्र यादव जी, बहुत सारे लोगों की ये मानना रहता है कि आपका जो समाज है अपना, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट देकर ये साबित करने का प्रयास किया कि नहीं, ये समाज को भी जोड़कर चलती है। जब आपको टिकट हुआ था तो प्रदेश में भूपेंद्र यादव जी की अच्छी खासी उनकी पकड़ हुआ करती थी, बड़े पद पे हुआ करते थे। अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में, आपको लगता है कि जो यादव समाज है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विश्वास को बढ़ाने का काम किया है? बिल्कुल पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है और उसकी जात पात को देखा नहीं जाता है। सामाजिक समीकरणों में कौन कहाँ फिट बैठ रहा है ये तो जरूर देखा जाता है, लेकिन उसकी जात पात को ध्यान नहीं दिया जाता है। और मैं अपनी मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहने वाला हरदोई डिस्ट्रिक्ट का, मेरी विधानसभा संडीला, लेकिन चूंकि मैं यहाँ लगातार 2012 से काम कर रहा था और 14 का मैं पार्लियामेंट का दावेदार था और पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिला, इसलिए 17 में मुझको बुला के पार्टी ने अवसर दिया और जो पार्टी का निर्णय था वो सही साबित हुआ। बिल्कुल, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको हरदोई से बुलाया और यहाँ पर जब इन पर जो है जो अपेक्षा की पार्टी ने उस पर वो खरा उतरने का काम किया। बिसवां विधानसभा क्षेत्र जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी को वो सीट नहीं मिल रही थी, महेंद्र यादव ने उसको ला करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाने का काम किया। अब 2024 चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां चल रही हैं सीतापुर से, और आपको बता दें कि चूंकि अभी हाल ही में जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, बहुत सारे टिकटों को परिवर्तित करने का काम किया है, उसके बाद जो सफलता हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद टिकट के दावेदारों की एक लंबी चौड़ी फौज तैयार हो गई है जो टिकट मांग रहे हैं। उनमें से महेंद्र यादव लंबे समय से सीतापुर से तैयारी करते आ रहे हैं और वो पार्टी से इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पार्टी यदि उपयोगिता समझेगी तो उनका उपयोग कर सकती है, अन्यथा उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको उम्मीद बंधी हुई है, जो 3 राज्यों के नतीजे आए और उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे टिकटों को बदला है उसके बाद कामयाबी पाई है, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में
लोकसभा चुनाव में फिर यही होने वाला है? देखिए, नेतृत्व क्या निर्णय करेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नेतृत्व अपने हिसाब से, अपने संपर्कों से प्रत्येक जनप्रतिनिधि के बारे में रिपोर्ट इकट्ठा करता है और जहाँ उनको जैसा निर्णय लेना होता है समय आने पर ऐसा निर्णय लिया जाता है। सीतापुर में भी जो चार की चार पार्लियामेंट सीट लगती हैं उनमें जब समय आएगा तो नेतृत्व ने जो सूचनाएं इकट्ठा की होंगी उनके हिसाब से निर्णय लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए उम्मीदें हैं वो निकल कर भी आ रही हैं कि नेतृत्व पर ही सारा दारोमदार है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बात की उम्मीदें हैं कि पार्टी जिस तरीके से तीन राज्यों में बदलाव किया था वो बदलाव यहाँ भी हो सकता है और इसी बदलाव की उम्मीद में आपका जो है सीतापुर में दौरा हो रहा है। दिल्ली आपका जाना हुआ? दिल्ली भी आना जाना रहता है समय समय पर और पार्टी के नेतृत्व में जो लोग हैं उनसे संपर्क रहता है लगातार। बाकी कोई विशेष पर्पस से नहीं कि दिल्ली ही जाना जरूरी है, लेकिन क्षेत्र में मैं जरूर लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूं और अपने लोगों का कहीं कोई विषय आता है तो उसको प्रशासन के लोगों से बात करके उनकी समस्या का निराकरण कराने का काम करता हूँ। पार्टी आपको मौका देती है और सीतापुर से चौथी बार के सांसद राजेश वर्मा हैं, जीत का मार्जिन उनका अच्छा खासा है, आप दावे के साथ ये सीट भाजपा की झोली में लाने की बात करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं पंकज जी कि वर्ष 14 में जब पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही थी और लहर नहीं आंधी चल रही थी, उस समय भी हमारी बिसवा विधानसभा लगभग 4000 वोटों से पिछड़ गई थी बसपा से। उसको मैंने 17 में विधानसभा के समय 10000 से जीतने का काम किया था और पुनः जब 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद जहां 14 में 76000 वोट मिले थे भाजपा कैंडिडेट को, वहां 97000 वोट लगभग मिलने का काम हुआ था और जो 4000 से पिछड़ गई थी वो गठबंधन के बावजूद 8500 से जीतने का काम हुआ था। तो आप निश्चित जानिए कि मेरा जनता में जो विश्वास है और जनता का जो मेरे प्रति विश्वास है निश्चित रूप से सीट जीतेगी मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से और बड़े मार्जिन से जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देखिए बड़े मार्जिन से जीतेगी ये दावा है आपका और सीतापुर लोकसभा की अगर बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नगर हो गया, महमूदाबाद हो गया और बिसवा हो गया, लहरपुर हो गया और सेवता हो गया, क्या इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में आपका भ्रमण हो गया? जी जी, 5 विधानसभा में आज से नहीं, ये 2012 से लगातार 5 विधानसभा में भ्रमण होता रहता है और जो हमारी पार्टी के संगठन के लोग हैं उनके यहाँ या जो व्यक्तिगत हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है, पारिवारिक फंक्शन होता है, उसमें भी मेरा जाना आना होता रहता है। महेंद्र यादव जी, आप देख रहे होंगे कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगने वालों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनती जा रही है, क्या इसका असर तो नहीं कोई पड़ेगा, दुष्परिणाम तो नहीं इसके आएंगे या ये होनी चाहिए इस तरीके टिकट मांगने का? ये तो होता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहाँ पे संभावनाएं अच्छी दिखती हैं आदमी उधर को दौड़ता है, लेकिन नेतृत्व जो निर्णय करता है वही सबको मान्य होता है और सभी लोग उस निर्णय का सम्मान करते हुए पार्टी का काम करते हैं।
बिल्कुल, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और जहाँ पर संभावनाएं होती हैं वहाँ पर लोग जो है अपनी भी उम्मीदें लगाते हैं। यही उम्मीद महेंद्र यादव जी की भी लगी हुई है। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं से क्या आप अपेक्षा करते हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे और पार्टी नेतृत्व तक आपकी बात ऐसी पहुँचे क्या कहना चाहेंगे? देखिए कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जन कल्याण की जो योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं का 100% लाभ हमारे कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाने का काम करें। जो वंचित है, जो लाभ नहीं पा सका है उन योजनाओं का, उसको किसी तरह से भी लाभ दिलाने का काम हमारे कार्यकर्ता साथी करें और नेतृत्व के निर्णय को सही साबित करें और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता में बढ़े, जिससे कि पार्टी की मजबूती बढ़े और समय समय पर जब भी चुनाव होता है, ये चुनाव जो होता है ये परीक्षा होती है, इस परीक्षा को पास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करें, ये हमारा कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है। नेतृत्व से सिर्फ इतना निवेदन करेंगे कि जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसका सम्मान, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में सभी का ध्यान रखा जाता है, नेतृत्व सबका ध्यान रखता है और कब कहाँ किसको कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाए ये हमारे नेतृत्व की नज़र से ही तय होता है। लेकिन फिर भी मैं एक यही निवेदन करूँगा कि जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए महेंद्र यादव जी जो कार्यकर्ताओं से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और पार्टी नेतृत्व से क्या कहना चाहते हैं उसको भी साझा किया। एक सवाल छूट रहा था, दरअसल विपक्षी पार्टियों को लेकर, जो विपक्षी पार्टियां हैं अभी ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और रालोद और कांग्रेस एक मंच पर आएगी, लेकिन बीच में हवा ये भी आ रही कि बसपा भी उसमें शामिल हो सकती है। ये अगर सिनेरियो बनता है तो क्या लगता है आपको, एनडीए से टक्कर होगी या आप लोगों ने इतना काम कर लिया है ये कहीं टिकने वाले नहीं है? देखिए पीछे जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन का हाल आप लोग देख चुके हैं प्रदेश में। वैसे तो पूरे देश में जनता ने सभी को नकार दिया है, लेकिन मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन और कोई भी नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के सामने टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, चाहे आवास हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो और चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, ये सारी की सारी समस्याएं मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने दूर करने का काम किया है। इसलिए जनता का विश्वास सिर्फ मोदी जी और योगी जी पर है और किसी भी नेता को और किसी भी पार्टी को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता स्वीकार करने वाली नहीं है और आपको हमने सारी बातें, दरअसल लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं और ऐसे में टिकट के दावेदारों की हमने आपको बताया कि लंबी लाइन लगी है और बड़े दिनों से तैयारी कर रहे हैं महेंद्र यादव जी, उनका सारा दारोमदार पार्टी नेतृत्व पर है। पार्टी नेतृत्व अगर उनकी उपयोगिता समझेगी तो उनका प्रयोग कर सकती है। बहरहाल पहले भी वो टिकट मांग चुके हैं, जब जब टिकट नहीं मिला है फिर भी उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी लाइन में काम करने का अभी तक काम किया है और आगे भी उनका यही लाइन उनकी बरकरार रहेगी, ये उनका कहना है। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।